बास टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं राज संधु लेके हाजिर हाँ अज दियां खास खबरां। केंद्र सरकार ने उड़ीसा तो समुद्र राही कोला लियाउण दी शर्त हटा दिती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली विखे केंद्रीय बिजली मंत्री नाल मुलाकात की। इस मौके शर्त हटाउण उत्ते मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बिजली मंत्री का धन्यवाद किया। मुलाकात विच मध्य प्रदेश तो सोलर बिजली की पूर्ति उत्ते भी चर्चा की गई। इत्थे दसण योग है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्र सरकार वल्लों लगाई गई शर्त का विरोध कर रहे सन, जिसनों हुण हटा दिता गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हथियारबंद बलों विच भर्ती लई केंद्र की अग्निपथ योजना नूं चुनौती देण वालियां पटीशनां नूं खारिज कर दिता है। उच्च अदालत ने कहा कि अग्निपथ स्कीम राष्ट्रीय हित अते हथियारबंद बलों की बेहतरी लई लिआंदी गई सी अते इस योजना विच दखल देण दा कोई कारण नज़र नहीं आउंदा। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति विच भ्रष्टाचार के दोष विच गिरफ्तार किए गए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक CBI की हिरासत विच रहणगे। दिल्ली की रोज़ एवीन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दसण योग है कि CBI ने 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने विच भ्रष्टाचार के दोषों नूं लैके 9 घंटे की पुछगिछ मगरों एतवार शाम नूं सिसोदिया नूं गिरफ्तार किया सी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मैनू दस्या गया है कि ज़्यादातर CBI अधिकारी मनीष की गिरफ्तारी के खिलाफ सन। वो सारे उसका बहुत सत्कार करते हैं अते उस दे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर उसनू गिरफ़्तार करने लई सियासी दबा इन्ना ज़्यादा सी कि उन्होंने अपने सियासी अकामां का कहना मनना पिया। श्रोमणी अकाली दल आगू बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा है कि पंजाब विच कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब हो गई है। उन्हें कहा है कि अजनाला विच थाने उत्ते कब्जा किया गया अते गुरु साहिब की बेअदबी की गई। मूसेवाला के कातलों की जेल विच हत्या कर दी गई। उन्हें कहा है कि ना जेल के अंदर अते ना ही बाहर कोई कानून है। दिल्ली विच वड्डा शराब घोटाला किया गया अते मुनाफा कुछ लोगों को पहुँचाया गया। उन्हां राजेश चौधरी बारे गल करदिआं कहा कि उस उत्ते सरकार वल्लों अजे तक कोई जवाब नहीं दिता गया। कथित रिश्वत मामले विच गिरफ़्तार किए गए बठिंडा देहाती हल्के दे आप विधायक अमित रतन दे रिमांड विच बठिंडा अदालत ने 2 मार्च तक दा वादा किया है। विधायक नूं विजिलेंस ने बीती 23 फरवरी नूं गिरफ़्तार किया सी, जिस दा उन्हां नूं पहलां 27 फरवरी तक रिमांड मिलिआ सी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाफ़ कथित इतराजयोग टिप्पणियां मामले विच कांग्रेस आगू पवन खेड़ा नूं मिली अंतरिम जमानत 3 मार्च तक वधा दिती है। असाम पुलिस ने खेड़ा नूं पिछले हफ्ते गिरफ़्तार किया सी। कांग्रेस सरकार समय मार्केट कमेटी पट्टी के चेयरमैन रहे मेजर सिंह धालीवाल की एक औरत वल्लों गोली मार के हत्या कर दिती है। चेयरमैन धालीवाल अपने मैरिज पैलेस पिंड संगमा विच मौजूद सन तो उसे पैलेस विच रहण वाली औरत ने उसकी कथित तौर उत्ते गोली मार के हत्या कर दिती। औरत पैलेस विच काम करती सी। SSP ने मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि मृतक के लड़के रणजीत सिंह के बयान उत्ते स्थानक पुलिस ने मुलजम अमनदीप कौर उर्फ अमन वासी मकबूलपुरा अमृतसर खिलाफ़ कतल का केस दर्ज किया है। महिला की गिरफ़्तारी तो बाद ही कतल के कारणों बारे कुछ दस्या जा सकता है। पुलवामा विखे कश्मीरी पंडित के कतलेआम उत्ते PDP मुखी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो होया मैं इस कार्य की निंदा करती हाँ। कदे कश्मीरी पंडितों की मदद करने वाले मुसलमान अज खुद मुसीबत विच हन। सरकार खाड़कूवाद नूं घट करन दे नाम उत्ते साडे लोकां नूं जेलां विच भेज रही है। उन्हां कहा कि जे खाड़कूवाद खत्म हो गया है तो उस नूं किसने मारिया, सरकार की कर रही है। मैं सरकार नूं मृतक की पत्नी नूं नौकरी देण की अपील करती हाँ। उसके 3 बच्चे हैं अते हरेक नूं 5 लाख रुपए मुआवजे वजों मिलने चाहिए हैं। मैं अपने मुस्लिम भाईचारे नूं भी उन्हां कश्मीरी पंडितों नूं बचाउण दी बेनती करती हाँ।
पंजाबी यूनिवर्सिटी पिछले यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के विद्यार्थी ने अपने ही एक साथी की तेजधार हथियार नाल हत्या कर दी जिसकी शनाख्त नवजोत सिंह वजो हुई है। इस हमले में उसका एक साथी जख्मी हो गया जो जेरे इलाज है। इस घटना मगरों SSP वरुण शर्मा SP हरबीर अटवाल यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी अफसर कैप्टन गुरतेज सिंह ने घटना स्थान का दौरा किया। उधर पुलिस ने जख्मी विद्यार्थी के बयान उत्ते 6 विद्यार्थियों खिलाफ कतल का केस दर्ज कर लिया है। नवजोत सिंह नाभा नेड़े पिंड संगतपुरा का रहन वाला सी अते बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 6वें समेस्टर का विद्यार्थी सी। सो इस अज दियां कुछ खास खबरां, कल फिर मिलांगे कुछ होर खबरां दे नाल। तद तक मैनू दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।